नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 10 लाख के पार। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 35,000 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद रिकॉर्ड तोड़ मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जान गंवाने वालों की संख्या में भी भारी इजाफा देखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 687 मरीजों की जान चली गई है। उसके बाद जान गंवाने वालों की कुल संख्या 25,553 हो गई। हालांकि केंद्र सरकार ने सभी लोगों को राहत देते हुए साफ तौर पर बताया है कि सक्रिय मामलों की कुल संख्या में मात्र एक तिहाई ही है, जिसके बाद यह लगातार पांचवा दिन है जब 28,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 3 दिनों में 9 लाख से यह संख्या 10 लाख के पार कर गई है, जिसके बाद भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर प्रभावित देशों की सूची में पहुंच गया है। वहीं अब तक कोविड 19 की वजह से कुल मिलाकर 6,12,814 लोग ठीक हो चुके हैं और 3,31,146 मरीज फिलहाल सक्रिय हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 20,783 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। ईरान ने भारत को बाहर करने की कहानी बताई झूठी। चाबहार पोर्ट के नाम पर भारत में ईरान के खिलाफ कई सारी खबरें चलाई जा रही थी, जिसके बाद ईरान ने एक भारतीय समाचार पत्र की रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें यह कहा गया था कि चाबहार रेलवे परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के उपप्रभारी फरहाद मुंतशीर ने अल जजीरा से बातचीत के दौरान कहा कि भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर नहीं किया गया है। समाचार पत्र की कहानी पूरी तरीके से झूठी है, क्योंकि ईरान ने चाबहार रेलवे के संबंध में भारत के साथ कोई समझौता ही नहीं किया था। ईरान ने सिर्फ चाबहार में निवेश के लिए भारत के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया था। पहला समझौता बंदरगाह की मशीनरी और उपकरण से संबंधित था और दूसरा भारत के $150 मिलियन के निवेश से संबंधित था। इतना ही नहीं, यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध का भारत के सहयोग से कोई लेना देना नहीं है। 2018 में अमेरिका ईरान स्वतंत्रता और काउंटर प्रसार अधिनियम के तहत चाबहार बंदरगाह परियोजना में छूट देने के लिए सहमति हो गई थी, इसलिए जितनी भी खबरें चलाई जा रही है वो तथ्यहीन है। नवंबर तक विमान सेवाओं को लेकर सरकार दे सकती है राहत। कोविड 19 लॉकडाउन के बीच विमानों के ये पूरी तरीके से रुक गए थे, मगर अब धीरे धीरे करके उन्हें दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी एक राहत भरी खबर सुनाई है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू की जाएगी। 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच मुंबई और बेंगलुरु से उड़ान संचालित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कोविड 19 के इस माहौल में पहले जितनी उड़ानों का संचालन होता था, जल्द ही उसके 55-60% तक उड़ान सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। हमारा लक्ष्य दिवाली तक देश में 60% घरेलू विमान सेवाओं को शुरू करने का है। वहीं वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 2,80,000 लोगों को विदेश से वापस लाया जा चुका है। आगे भी विमान सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। राहुल गांधी ने देश के नाम पर जारी किया अपना वीडियो संदेश। कांग्रेस के पूर्व नेता राहुल गांधी ने देश के नाम अपना वीडियो संदेश जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की लगातार गलतियों ने भारत को मौलिक रूप से कमजोर किया है और हमें कमजोर बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द ही देश के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इस तरह का कदम उठाने के लिए यह समझने की जरूरत है कि हमें अलग अलग चीजों पर नजर डालनी है, क्योंकि विश्व एक चीज से सुरक्षित नहीं होता है, जिसके बाद सुरक्षित होने के लिए पीछे अलग अलग कई चीजें और व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। देश को वैश्विक रणनीति के तहत सुरक्षित रखा जाता है, इसे नेबरहुड द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। देश को उसकी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए काफी कारगर साबित होती है, लेकिन पिछले 6 साल में क्या हो रहा है, इन सभी क्षेत्रों में भारत परेशान और नाकाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी तरीके से ध्वस्त होती नजर आ रही है। पड़ोसियों से रिश्ते खराब चल रहे हैं और यही वजह है कि किसी ने फैसला लिया है कि उसके हिसाब से भारत के खिलाफ कदम उठाने का बेहतर समय है। चीन के इस रवैये का मुख्य कारण यही है। पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 35 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 के इस माहौल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम को शुरू किया था, जिसके तहत हर स्तर पर लगातार कोशिश जारी है। वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बीते दिन 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई गाइडलाइन का उद्देश्य डेयरी सेक्टर में देश की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने का है, जिसके लिए उन्होंने बताया है कि बुनियादी ढांचा बनाने के बाद लाखों के इससे लाभान्वित होंगे और फिर अधिक दूध का प्रोसेसिंग होगा। इतना ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स का निर्यात बढ़ेगा, जो वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है। इसे अन्य देशों के बराबर ले जाने की जरूरत है। बयान में आगे कहा गया है कि पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फंड के जरिए 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करवाने में भारी मदद मिलेगी। आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संयुक्त राष्ट्र का संबोधन। आज रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
परिषद के गैर स्थायी देश के रूप में भारत को निर्विरोध चुने जाने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र की व्यापक सदस्यता को संबोधित करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TM तिरुमूर्ति ने इस बात की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र ECOSOC के उच्च स्तरीय खंड के वैलिडिक्ट्री में मुख्य भाषण देने वाले हैं इस बात की जानकारी भी दी है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि इस दौरान नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ प्रधानमंत्री मोदी सत्र को संबोधित करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही सुरक्षा परिषद में भारत को 2 साल के लिए स्थायी सदस्यता मिली थी। सदस्यता मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी समर्थकों का अभिनंदन भी किया था। गो एयर ने यात्रियों के लिए जारी किया क्वारंटाइन पैकेज। गो एयर ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटाइन पैकेज की शुरुआत की है, जिसके तहत यात्रियों को क्वारंटाइन पीरियड के लिए चुनिंदा शहर में सस्ते से लेकर महंगे होटल में ठहरने के लिए कमरों की पेशकश की जाएगी, जिसमें 1400 प्रति व्यक्ति प्रति रात के होटल की कीमत शुरू होगी। COVID-19 के इस माहौल के बीच यह देश में किसी भी एयरलाइन द्वारा पेश किया जाने वाला पहला पैकेज होगा, जिसकी पुष्टि वाडिया ग्रुप प्रमोटेड एयरलाइन की तरफ से भी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि COVID-19 के बीच किसी विमानन कंपनी ने पहली बार इस तरह का पैकेज पेश किया है, जिसकी सारी जानकारी गो एयर हॉलीडे पैकेज वेबसाइट पर जाकर ली जा सकती है, जिसकी पूरी जानकारी एक रिलीज में भी पेश कर दी गई है। इसके साथ ही मुसाफिरों के लिए उपलब्ध ये भी करवाया गया है कि विदेश या भारत के अंदर से देश के अलग अलग हिस्सों में आते हैं और इनका मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि मुसाफिर चुनिंदा होटल में आसानी से क्वारंटाइन हो सके। गूगल के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगी जियो। जियो ने आज जो मुकाम हासिल कर लिया है वो बड़ी बड़ी कंपनियां हासिल करने में नाकाम साबित हुई है। आज जियो के साथ बड़े बड़े नाम पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसके तहत फेसबुक समेत कई कंपनियों ने जियो में निवेश किया है। वहीं बीते दिन गूगल ने भी अपनी रुचि जियो की तरफ दिखाई और निवेश करके 7.7% का पार्टनरशिप का भी करार हो गया है। रिलायंस जियो की 43वीं सालाना जनरल मीटिंग में इस बात की घोषणा की गई थी। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने AGM को संबोधित करते हुए इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि गूगल और जियो मिलकर एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बातों ही बातों में 4G और 5G स्मार्टफोन लाने की बात भी कही है। वहीं अपने संबोधन में मुकेश अंबानी ने कहा कि जो भारत 5G युग की दहलीज पर खड़ा है तो भी देश के कई युवा 2G फीचर फोन को यूज कर रहे हैं। 350 मिलियन लोगों का यह एक अवार्ड फॉर स्मार्टफोन की तरफ माइग्रेशन तेज करना हमारा अहम उद्देश्य है। 10वीं की मार्कशीट में निकली गलतियों पर CBSE ने दी सफाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट 15 जुलाई को जारी कर दिया था, जिसके बाद छात्रों ने अपने मार्कशीट में गलतियां नोटिस की है। यह गलतियां जन्मतिथि को लेकर हुई है, छात्रों ने जिसके लिए शिकायत भी दर्ज करवा दी है। छात्रों का कहना है कि ऐसी लापरवाही की उम्मीद CBSE से नहीं थी। कई छात्रों ने बताया कि CBSE के अनुसार वे 2020 में पैदा हुए हैं, कुछ का जन्म 1 दिसंबर 2020 को होने वाला है। लगभग सभी छात्रों की जन्मतिथि मार्कशीट में गलत लिखी गई है। CBSE की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मार्कशीट जारी की जा चुकी है और जो भी गलतियां थी वो ठीक की जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, CBSE ने 10वीं के मार्कशीट को डिजी लॉकर पर अपलोड किया था। वहीं मार्कशीट पर गलती होने के बाद सोशल मीडिया पर छात्रों द्वारा और अभिभावकों द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई थी, जिसके बाद CBSE ने अपनी गलती मानते हुए गलती का सुधार कर लिया है। राहुल गांधी ने 10 अगस्त तक भारत में 20 लाख के पार COVID-19 संक्रमितों की संख्या होने का किया दावा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो जाने पर बीते दिन कहा है कि अगर COVID-19 इतनी तेजी से फैला तो 10 अगस्त तक संक्रमण के मामले 20 लाख के पार हो जाएंगे। COVID-19 को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 10 लाख का आंकड़ा अब भारत में पार हो चुका है। इसी तरह COVID-19 अगर फैला तो 10 अगस्त तक देश में 20 लाख लोग संक्रमित पाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ दिनों पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके आने वाले एक हफ्ते में संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार हो जाने की बात कही थी। हालांकि उनके अनुसार बताए गए समय से पहले ही भारत में प्रभावितों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हुई ट्रोल। बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने गृहमंत्री अमित शाह को ट्वीट करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI जांच की मांग की थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि इस बात की तह तक जाया जाए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने यह कदम क्यों उठाया, जिसके बाद अब लोगों ने उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर रिया को खूब ज्यादा खरी खोटी सुनने में मिल रही है। कई लोग रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम के लिए जिम्मेदार मानते हुए कह रहे हैं कि वो सब नौटंकी बंद करे, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो तुमने उसकी सारी फोटोज डिलीट क्यों कर दी? वो जिंदा था तो तुमने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, और अब जो दुनिया से चला गया है तो तुम इस बात को स्वीकार कर रही हो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद अपने इंस्टाग्राम से उनके साथ
साथ सभी फोटोज को डिलीट कर दिया था। इलेक्ट्रिक कार में लगाई जाएंगी हरे रंग की नंबर प्लेट। अब इलेक्ट्रिक कारों को खास बनाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। उन्हें पार्किंग और टोल की खास डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इन वाहनों की अलग पहचान के लिए इसके लिए सरकार ने हरे रंग की नंबर प्लेट लगाने का फैसला सुनाया है। वहीं अब वाहनों की नंबर प्लेट के रंगों को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों पर हरे रंग की नंबर प्लेट और उस पर पीले रंग से वाहन का नंबर लिखने का काम शुरू करवा दिया गया है, जिसके तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वाहनों के पंजीकरण लाल रंग से होंगी, जबकि डीलरों के पास रखे गए वाहन पर नंबर प्लेट लाल रंग की होगी, जिस पर सफेद रंग के अक्षर से अंक लिखा होगा। जिसके लिए मंत्रालय ने साफ तौर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वाहनों के पंजीकरण के लिए आवंटित किए जाने वाले चिन्ह से जुड़े नियमों में स्पष्टता के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अयोध्या वाले बयान पर विदेश मंत्रालय ने दी अपनी प्रतिक्रिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर दिए विवादित बयान के कारण लगातार सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने अपनी दी है और कहा है कि भारत की सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है, इसलिए वो अब इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जनकपुर में जन्मी सीता का विवाह किसी भारतीय राजा से नहीं किया था, लेकिन सीता का विवाह अयोध्या के राम से हुआ था, भारत में नहीं, जो नेपाल में है। उन्होंने कहा कि अब वहां कोई राजा सीता से शादी करने के लिए जनकपुर कैसे जा सकता है, क्योंकि उस समय संचार और परिवहन के साधन नहीं थे। अयोध्या को लेकर बहुत विवाद है, जबकि हमारी अयोध्या थोड़ी गांव में है, इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। चीन की यह कंपनी भारत में करने वाली है 7500 करोड़ का निवेश। चीन की एक कंपनी भारत में चल रहे बॉयकॉट माहौल के बीच भारत में बड़ा निवेश करने वाली है। चीनी सामानों के प्रतिबंध के उठ रही आवाजों के बीच वीवो पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा के कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिए 7500 करोड़ के निवेश का ऐलान किया गया है। कंपनी ने इस कारखाने की क्षमता बढ़ाकर यहां से सालाना 12 करोड़ उत्पाद से देश में एक डिजाइन सेंटर की स्थापना और अगले एक साल में लोकल शेयर से माल 15-40% लेने की योजना बनाई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वीवो ब्रांड और वीवो इंडिया कंपनी चीन मैसेज बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स समूह के तहत आती है। इतना ही नहीं, इस समूह के भारत में कई अन्य लोकप्रिय ब्रांड भी है, जैसे ओप्पो, वन प्लस और रियलमी। वहीं चीनी कंपनी शाओमी भारतीय बाजार की लीडर है, इसलिए पिछले कुछ महीने में चीनी कंपनी वीवो ने भी बड़ी तेजी से भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाई है, जिसने सैमसंग को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर बड़े ब्रांड के रूप में बनकर उभरी है। सौरभ गांगुली ने भारत के लिए रन बनाने का सामर्थ्य आज भी होने की कही बात। बीसीसीआई के प्रमुख सौरभ गांगुली ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बड़ा दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर वो 3 महीने तक ट्रेनिंग करते हैं और कुछ रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हैं तो वो फिर से टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए रन बना सकते हैं। आखिरी बार 2008 में 12 साल पहले भारत के लिए उन्होंने आखिरी मैच और 2011 में आखिरी प्रथम श्रेणी मैच खेला था, जिसके बाद गांगुली ने कहा कि अगर उन्हें ट्रेनिंग के लिए समय दिया जाए तो वो टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने के लिए पूरी तरह से फिट है। इतना ही नहीं, एक बंगाली अखबार को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर मुझे एक दिवसीय मैचों में 2 और सीरीज दी जाती है तो फिर मैं अधिक रन बना सकता हूं। अगर मैं नागपुर टेस्ट मैच में रिटायर नहीं होता तो मैं अगले 2 टेस्ट मैच में भी रन बना पाता। असल में अभी मुझे प्रशिक्षण के लिए 6 महीने का समय दिया जाए, मुझे 3 रणजी खेलने दिया जाए तो मैं टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए रन बना लूंगा। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आपके अनुसार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।